देश के सैन्य पुरुषार्थ के साथ आपने जो किया, उन शहीद बेवाओं का कौन देखेगा जिनके परिजन शहादत दे दिए और ये ऐसे फर्जी राष्ट्रवादी हैं, उसका भी राजनीतिकरण करके वोट हासिल करके जो फर्जीवाड़ा किया जिसका खुलासा सतपाल मल्लिक जी ने किया, तो हम जनता दल को चुनौती दे रहे हैं कि आप तो सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। राजधानी पटना के जेपी गोलंबर से जदयू एमएलसी नीरज कुमार और तमाम जदयू के नेताओं के द्वारा पैदल मार्च निकाला जा रहा है और उनके साथ राजधानी पटना के वो तमाम युवा हैं जो पुलवामा कांड में जो शहीद हुए थे उनको नमन करने, उनके हक की लड़ाई को मांगने के लिए आज पैदल मार्च निकाल रहे हैं। यह दृश्य आप देख पा रहे हैं राजधानी पटना के जेपी गोलंबर की, जहां पर तमाम युवा जो हैं वो इकट्ठा हैं, हाथों में जदयू का झंडा है और पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन जवानों की शहादत की हक की लड़ाई के लिए पैदल मार्च इन्होंने निकाला है। हाथों में पोस्टर है, हाथों में झंडा है, उस पोस्टर पर साफ तौर पर लिखा है अब तख्त हिलेगा ताज हिलेगा फर्जी राष्ट्रवादियों का राज हिलेगा। कई तरह के स्लोगन के साथ जो है ये तमाम लोग आज राजधानी पटना के जेपी गोलंबर में हैं और यहां से पैदल मार्च इन लोगों का निकलेगा। साथ में एमएलसी और प्रवक्ता जदयू के नीरज कुमार हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नीरज कुमार का इस पूरे पैदल मार्च के ऊपर। पुलवामा के शहीदों पर जो 2019 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसका भी राजनीतिकरण करके वोट हासिल करके जो फर्जीवाड़ा किया जिसका खुलासा सतपाल मल्लिक जी ने किया और प्रत्युत्तर में आप सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, देश के सैन्य पुरुषार्थ के साथ आपने जो किया उन शहीद बेवाओं का कौन देखेगा जिनके परिजन शहादत दे दिए और ये ऐसे फर्जी राष्ट्रवादी हैं जिन लोगों ने देश के सैन्य बल के साथ ऐसा छल किया है कि अग्निवीर बनाया, लेकिन अग्निवीर में कोई अगर ये दुखद घटना हो जाएगी तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, ये कैसे फर्जी राष्ट्रवादी। तो हम जनता दल को चुनौती दे रहे हैं कि आप तो सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, आईटी का इस्तेमाल करते हैं, ईडी का करते हैं, तो जनता दल के कार्यकर्ता सतपाल मल्लिक के साथ खड़े हैं, जहां मर्जी करे इन तीनों संस्थाओं का इस्तेमाल करो, तुम्हारी धमकी से कोई डरने वाला नहीं। मांग क्या करेंगे? मांग है सीधा, कौन गुनाहगार है उस गुनाहगार का खुलासा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी आपकी जुबान खामोश क्यों? पैदल मार्च निकाले कहां तक जाएगी ये मार्च? वो हम लोग कारगिल चौक तक जाएंगे, शहीदों को नमन करेंगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।